लगातार हो रही बारिश के चलते फसल में हुए नुकसान से परेशान होकर एक किसान ने नहर में छलांग लगा दी, जिसके दो दिन बाद उसका शव नहर से बाहर निकाला गया और पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि पूरा मामला थाना किसनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। थाना किसनी क्षेत्र के ढंडोस नहर पुल के पास एक वृद्ध का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बाहर निकाला और मृतक की शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए तो मृतक की शिनाख्त थाना बेवर क्षेत्र के जगतपुर निवासी किसान नरेश पुत्र राजा राम के रूप में हुई। जब मृतक के परिजनों को उसका शव मिलने की जानकारी दी गई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, जिसके चलते नरेश बेहद परेशान थे और बीते दो दिन पहले नरेश लापता हो गए थे। परिजन उनकी खोजबीन कर रहे थे और आखिरकार उनका शव नहर में पाया गया। परिजनों ने बताया कि फसल में हुए नुकसान के चलते ही नरेश ने नहर में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया और सब परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ रहते हैं? अच्छा, पोस्टमार्टम हाउस में क्या मामला है? इतवार को 10:30 बजे नहर में कूद गया। कौन कूदे, क्या नाम है? कौन कूद गया है? भाई। क्या नाम है? नरेश सिंह। क्या वजह रही? क्या ये मूँगफली भाई जो मान लिया उनकी खेतनी थी वो पानी आनी भर गया, सड़ गई तो इसलिए वो यहाँ से गई और क्या उनको भी हो गया कि हमारी मूँगफली कर्जा हो गया जो हो गया, इसलिए वो लगभग कितने बीघा में फसल थी? 20 बीघा। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? फुल नुकसान वो मेरा एक पैसा था प्लॉट में। जो जिन्होंने खुदकुशी की है उनका लगभग कितने का नुकसान हुआ? जिनका भाई का, हाँ भाई का 20 बीघा करीब है। तो अंदाज लगा के कितना क्या होगा? ढाई 3 लाख का नुकसान हो गया होगा। नुकसान नुकसान के देखते हुए कहाँ पे लगाई, कहाँ पे, किस जगह कूदे थे? ढलौस नहर। कितने बजे घटना होगी? 10:30 शाम की? नहीं, दिन में। अच्छा, अभी सुबह की क्या है?